भी गए विधायक जी के घर, विधायक जी को कहा नहीं माने, कह रहे मैं तो बनाऊंगा क्योंकि सत्ता का नशा गुंडा कर दिया। चलो हमने सोचा मंत्री जी ने आशीर्वाद लगाया इनके आगे करें, लेकिन उन्होंने पर्चा उठा के विधायक जी को दे दिया, मेरी सुनी भी नहीं। भाई हम 25 जने चल के आए हैं, भाई अगर विधायक जी नहीं सुने तो मंत्री जी को कहेंगे, लेकिन मंत्री जी ने कहा यही करेंगे, वो तो पहले ही अपना जीवन दे देते हैं सत्ता के नशे में। भाई मैंने बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ कर लो। विधायक जी घर के सामने, विधायक जी के घर के सामने, उनके आगे ना टूटता है जी ना डिवाइडर बनना। ड्रेनेज वाला एरिया टूटा है, हम 3 महीने से नरक की जिंदगी जी रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वही मंत्री जी ने भी वही बात करी है जी, वह विधायक जी करेंगे। विधायक जी ने पहले ही अपना कह दिया, 25 जने हैं, प्रमोद जी हैं जी, और सत्ता के नशे में, सत्ता के नशे में है जी, और इतनी गुंडागर्दी कमाल है, जनता का बनाए हुए हैं, जनता का काम नहीं सुने, 75 का इधर है, 75 इधर है, एक भी नहीं चाहता डिवाइडर बने, फिर कैसे होगा जी, गुंडागर्दिया कोई नहीं, आने वाले टाइम में 2 महीने बाद पता चल जाएगा, जिस जनता ने बनाया वही जनता जवाब देगी इसका, वो तो आने वाले टाइम में सबको पता चल जाएगा, चाहे मंत्री जी या चाहे कोई भी। देखिए आज मैं पानीपत प्रवास पे आया हूँ, पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी है, सरकार की तरफ से लगी है। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कार्यक्रम बनाया, अपना नमक दुष्यंत जी ने, साथ में हमारे प्रमोद वीर जी, हमारे नमक आदरणीय विधायक, हमारे साथ माइकल डंडा जी के बड़े ब्रदर हरपाल जी साथ में, और पूरी हमने यहाँ बैठ कर ग्रेवेंसी सुनी, पूरे मेरे काउंसलर कॉरपोरेशन के सभी अधिकारी यहाँ पर थे, और 100 के आसपास हमने ग्रेवेंसी लोगों की सुनी है, उसके तहत उसका हल भी किया है, उसमें विद इन वीक हमने करने की कोशिश पूरी कर दी है, और कुछ हल यहाँ नहीं होगा तो बड़े स्टेट लेवल पे होगा, उसके फायदे में लेके जा रहा हूँ, उसकी करें। और मुझे एक CPO खद्यान की बड़ी शिकायत मिली थी, उसको मैं तंत्र प्रभाव से यहाँ पर सस्पेंड करके जा रहा हूँ। इसी प्रकार के मैं कहना चाहता हूँ, कोई ड्रेन की व्यवस्था में जो टेंडर हुआ है, अगर उसकी सफाई नहीं हुई, वैसे भी स्पष्टता के तौर पर कोई सफाई नहीं हुई, टोटल मैं अभी शहर के अंदर ग्राउंड भी लगाऊंगा, मुझे कहीं भी कमी मिलेगी, कोई अधिकारी सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, कोई करप्शन में इन्वायरमेंट है, तो समझे अधिकारी अपने घर पे बैठे, वो यहाँ आने की कोशिश ना करे। हम चाहते हैं कि समाज के लिए अच्छा, जनता के लिए अच्छा कार्य करें, इसके लिए बहुत सी चीज़ें हमने जनता की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर दलालों की निगरानी देखा जाए तो, देखिए मैंने खुले तौर पर कहा है, अगर कोई मुझे रिटर्न में यहाँ पर अभी देगा, अभी करप्शन में ये आदमी करप्शन में मांगता है, डिमांड करता है किसी प्रकार की, तो मुझे लिख के देगा इमीडिएट, उसके ऊपर मैं यहीं पर एक्शन लेके जाऊंगा, मैं आपको तंत्र प्राप्त कराऊंगा। अगर ऐसा कोई दलाली वाला है वो छोड़ के चले जाएंगे, हमारा बिल्कुल अभय मैंने TID हमने बहुत ईजी कर दी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहूँगा इसी तरह हमने गार्बेज चार्जिंग खत्म कर दिया है, ओवर सिटी के अंदर गार्बेज चार्जिंग खत्म कर दिया है, आउटैक्स में हमने रिबेट दे दिया है, हम इसी तरह हमने जो उनका लाल डोरा था शहरों के अंदर उसका भी विद इन वीक हम उसका सर्टिफिकेट करें, सर्टिफिकेट देने के उसकी चिट्ठियाँ कराए, बहुत ईजी प्रोसेस कर दिया है। और मैं कहूँगा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में रिपोर्टिंग आई डी क्या होता है, लेकिन ठीक है, एक नम क्या ऑनलाइन चल रहा था उसमें दिक्कतें आती है, उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने ठीक कर दिया है। प्रॉपर्टी आईडी के आड़ में अधिकारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों से पैसे। देखिए मैं एक बात आपके बीच में क्या किया गया, पर मैं एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, ट्यूजडे से मंगलवार से हमने कर दिया, थोड़ा समय लगता है, एक भी आदमी को दिक्कत नहीं आएगी, हमारे खुद के विधायक जिला अध्यक्ष खुद कॉरपोरेशन में जाएंगे, लोगों की बात को सुनेंगे, अगर फिर भी इसके अलावा कोई अधिकारी इस बात में पट्टी आईडी में दिक्कत करता है तो इमीजिएट हो समझे अपने घर बैठ जाए, वो आने की कोशिश ना करे अधिकार। सर सही अभी है, सर कहीं अफसर साहब अभी नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार की अफसर अधिकारी नहीं, हमने जो एक्शन लिया अभी तो आपके सामने लेकर दिखाया, इसी प्रकार का हम पूरा कार्य करें प्रदेश के अंदर, हमारे पूरा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य हो रहा है। सर डिवाइडर की समस्या को लेकर मॉडल टाउन से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि विधायक जी को हम पहले ही अपनी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज मंत्री जी ने भी हमारी शिकायत नहीं सुनी, वही शिकायत फिर से विधायक जी। मैंने सभी की बात को सुना है, डिवाइडर की बात सुनी है, मैंने आदरणीय विधायक जी साथ से बात की है, उनसे उनका हल निकल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस।